कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीएम शिवराज ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और अधिकारियों के साथ मंत्रालय में बड़ी बैठक की है। कोरोना के रोकथाम और गाइडलाइन का पालन करने के लिए अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में प्रतिबंधों को लेकर भी चर्चा की गई है। सीएम शिवराज ने गंभीर आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि फिलहाल 8 जिलों में कोरोना केस है और लेकिन कोरोना और अन्य जिलों में भी पहुंच सकता है, इसलिए हमें प्राथमिकता के आधार पर रोकथाम के उपाय करने होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि कोरोना की रोकथाम के लिए हमें जांच की संख्या बढ़ाना है, पीड़ित व्यक्ति के कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करना जरूरी है, अस्पताल दवाई उपकरण ऑक्सीजन की लाइन समेत तमाम व्यवस्थाएं एक बार अवश्य जाँच की जाए और इन्हें दुरुस्त किया जाए। तो हमारा जो पहली की पद्धति थी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग कम ना हो, टेस्ट क्योंकि टेस्ट से ही हमको पता चलेगा। अब हम 7,000 से ज्यादा क्यों मारी चल रहे हैं, टेस्ट से ही क्यों पता चल रहा है, नहीं तो पता नहीं चलता और स्प्रेडर की तरह वो घूमते रहते हैं। तो प्रतिदिन जो टारगेट आपको है उसके अनुसार आप टेस्ट सुनिश्चित करें। फिर अंतर्राज्यीय आवागमन वाले स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, भावी टेस्ट करें, सैंपल लेने की व्यवस्था करें और पॉजिटिव केस आए तो कम से कम 30 की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी, ये आपका आइडिया। फिर आसपास परिवार के और संपर्क में 30 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वो हमारी होनी है, उसको सुनिश्चित करें। अभी कम संख्या तो हम ये आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हमको करते रहना है। ये ना सोचे कि आ गया तो आगे अपना करना है। फिर पॉजिटिव प्रकरणों को यदि अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है तो एक बात देख ले, होम आइसोलेशन का मतलब उनके पास आइसोलेशन के लिए स्थान अलग से होना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उनको अस्पताल में भर्ती करें जो बाग आपने चिन्हित किए होंगे।